नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव से शहर तक में। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग क्लास के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्लास कैसे हमारी HTML प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। तो बेसिकली क्लास दोस्तों हमारी जो है HTML कोडिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। मीन्स कि एक बार हमने कोई क्लास अगर बना ली और उस क्लास को चाहे जितनी जगह हम इस्तेमाल करना चाहें या जितने एलिमेंट्स पे हम इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम कम लगता है और हमारा नंबर ऑफ लाइंस जो कोड के अंदर होती हैं वो भी कम हो जाती हैं, जिससे हमारे कोड की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए या तो हम CSS के जरिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर JavaScript के जरिए। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम कोई CSS एक बार डिफाइंड करते हैं तो उसके अंदर किसी भी एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं तो उस पेज पे जितनी भी जगह वो एलिमेंट यूज हुआ है उसके पूरे एट्रीब्यूट पे वो वैल्यू सेट हो जाती है। लेकिन हम जब क्लास यूज करेंगे तो क्लास के जरिए हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी या ये हमें सुविधा मिल जाती है कि हम जिस एलिमेंट पे भी चाहें उसी एलिमेंट पे हम जो है वो एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं और उस एट्रीब्यूट का जो है इफ़ेक्ट जो है किसी अगर पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्लास के जरिए हम कर सकते हैं। जो क्लास का जो सिंटैक्स होता है वो स्टाइल शीट के अंदर जो है हम डॉट क्लास नेम, उसके बाद जो भी एट्रीब्यूट हमें सेट करना है वो एट्रीब्यूट हम सेट कर देते हैं और उसके बाद जिस भी एलिमेंट पे हमें अप्लाई करना है इस क्लास को वहाँ पे जो है हम उस क्लास को अप्लाई कर लेते हैं और वहाँ पे जो है इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं कि कैसे हम क्लास यूज करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा HTML टेक्स्ट एडिटर सबलाइम, और यहाँ पे मैं कुछ जो है ब्लॉक ऑलरेडी लिख रखा हूँ। और जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जब हमें इंटरनल CSS डिफाइंड करनी होती है तो हेड सेक्शन के अंदर हम लोग डिफाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टाइल शीट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे जैसा कि अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा कि अगर हमें क्लास डिफाइन करना है तो क्लास का नेम हम देते हैं डॉट क्लास नेम फ्रूट। क्लास का नेम अगर हम फ्रूट दे दिया और इसके अंदर जो है हम एक एट्रीब्यूट वैल्यू सेट कर देते हैं कलर रेड, और इस क्लास को हम कैसे जो है यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में इसे देखते हैं। अब हम जो है चलते हैं अपने बॉडी सेक्शन में। अब बॉडी सेक्शन के अंदर जो है हम एक हेडर जो है एलिमेंट का यूज करते हैं S2, और इस S2 के ऊपर जो है हम क्लास अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्लास कीवर्ड है जिसको हम लोग लिखेंगे और इसके बाद जो है उस क्लास का नेम लिखेंगे जो हम लोगों ने अभी बनाया है फ्रूट, और यहाँ पे लिख दिया हमने फ्रूट, और यहाँ पे हमने अगर लिख दिया एप्पल रेड एप्पल्स और वेरी स्वीट। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करके देखें एक बार कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये हमारी फाइल है, इसको हम जो है क्रोम में ओपन कर रहे हैं और ये देखिए एप्पल रेड एप्पल्स और वेरी स्वीट। अगर इसका फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा कर लें तो हमें जो है कुछ ज़्यादा आसानी होगी समझने में। इसी फ्रूट के अंदर हमने डिफाइन कर दिया फॉन्ट साइज और 50 पिक्सल। अब इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए अभी फॉन्ट साइज बढ़ गई। अभी एप्पल की फॉन्ट साइज बढ़ी है। अगर आप इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसके ऊपर हमें जो है उसमें जो है हमें जो है क्लास कॉल करनी होगी। फ्रूट
क्लास इक्वल टू फ्लोट। अब एक बार फिर से रन करके देखते हैं हम इसको, ये देखिए, और इस पर कलर भी अप्लाई हो गया आपका। तो इस तरह से क्लास हम लोग यूज करते हैं अपने एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर हमें मल्टीपल क्लास एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो उसे कैसे करेंगे, ऐसे देखते हैं। एक और क्लास हम लोग यहाँ बनाते हैं, एनिमल, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और यहाँ पे दोस्तों एक और हम हेडिंग बना लेते हैं S2। इस पर हम अप्लाई करते हैं क्लास एनिमल, लायन। पैरा बना लेते हैं P, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। इसको पहले रन करके देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन और डिफॉल्ट जो है ब्लैक कलर है इसका। अब हम जो फ्रूट, जो हमारा क्लास नेम है, वो क्लास नेम हम जो है एनिमल क्लास नेम के साथ ही अगर यूज करना तो कैसे करेंगे, एनिमल स्पेस फ्रूट। अब इसको सेव करते हैं और इसके बाद इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है, चाहे सिंगल क्लास अप्लाई करनी हो किसी एलिमेंट पे, चाहे मल्टीपल क्लास अप्लाई करनी हो, तो इस तरह से हम लोग जो है एचटीएमएल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हैं कि इस चैनल पर डाली जाने वाली जितनी भी वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुँचें, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।